स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं डॉक्टर शाह नदीम टीवी। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर शाह नदीम टीवी को और घंटी के बटन को दबाइए हमारी सबसे लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ एडमिशन ओपन हुए हैं उस हवाले से कुछ बात करूंगा। तो इन सबसे पहले नए वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें। दोस्तों रिसेंटली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है कुछ पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन ओपन हुए हैं 2021 के, मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन है इसमें आपके वेरियस डिग्री प्रोग्राम है, इसके अलावा आपका जो है डिप्लोमा ट्रेनिंग प्रोग्राम है और CPSC ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। तो जो कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 11 मई 2021 है। लेकिन आप एक बात याद रख लें, इसमें जो आपका प्रोग्राम FCPS2 है उसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो जो है 4 जून 2021 की है। इसके अलावा आपकी जो एडमिशन की डिटेल है वो इस हवाले से ये है कि यूनिवर्सिटी जो है जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, और इसमें जो डिग्रीज के आपने एडमिशन लेना है या आपने अप्लाई करना है या आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें वेरियस प्रोग्राम है जिसमें बैचलर्स मास्टर PhD और बाकी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। और इनकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 11 मई 2021 है और ये बात जहन में रख लें, आपका जो प्रोग्राम ओनली सिर्फ FCPS2 है इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 जून 2021 की है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने जो प्रोग्राम आपको दिए हैं इसमें 4 से 5 साल प्रोग्राम भी हैं आपके काफ़ी सारे, इसके अलावा 3 साल के भी हैं, 2 साल के भी हैं और इसके अलावा आपके हैं CPSP ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके अलावा आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने रखा है वो है आपके पास MBBC की सर्टिफिकेट जो HEC से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट Schedule 1 या शेड्यूल होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए PMDC से मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर, और आपके पास कम से कम 1 साल का जो है हाउस जॉब का तजर्बा भी होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो उन्होंने एडमिशन शेड्यूल बताया है वो कुछ इस तरह है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है उनकी लास्ट डेट 11 मई 2021 है और जिस जो डिस्प्ले उन्होंने लिस्ट करनी है आपकी या इशुएंस ऑफ जो एडमिट कार्ड हैं वो हैं वो 24 मई 2021 को, और इंट्री टेस्ट जो है डिप्लोमास का MCPS का या MPhil का वो 2 जून 2021 है, और Part 1 डिग्री कोर्सेज जो MD या MS के हैं वो 3 जून 2021 है, और इसकी जो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट है यूनिवर्सिटी कोर्सेज की वो 10 जून 2021 है, और आपकी जो स्टार्ट कोर्सेज या ट्रेनिंग हैं वो 1 जुलाई 2021 है। इसके अलावा आपके जो एडमिशन शेड्यूल फॉर FCPS2 ट्रेनिंग है उसमें आपकी लास्ट डेट जैसे मैंने आपको पहले ही मेंशन की है कि 4 जून 2021 है, इसकी जो डिस्प्ले लिस्ट है वो 10 जून 2021 है, और इसके लिए जो आपका इंट्री टेस्ट है वो 15 जून 2021 है, और आपका जो इंटरव्यू होगा वो 24 जून 2021 है। इसके लिए आपने सिंपली अप्लाई कैसे करना है, आपने सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, इधर से आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर लेना है या आप सिंध बैंक से भी जो है चलान फॉर्म वो भी आपने ले लेना है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपनी फ़ी डिपॉज़िट कर देनी है और अपने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वैलिड चीज़ें हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या जो जो चीज़ उन्होंने मांगी हो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सब फिल करना है और अपनी चलान फॉर्म के साथ एड्रेस पे जो है जिस जो उन्होंने कंसर्नेड ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है उस पे आपने सबमिट करवा देना है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं मज़ीद आपको जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ। बास स्टूडेंट की जो है कन्फ्यूजन होती है यहाँ आप चेक कर सकते हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट सेशन July 2021, यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये डिग्री प्रोग्राम 4-5 ईयर के, इसके अलावा ये आप 3rd ईयर के हैं, ये 2 ईयर के हैं, ये FCPS2 मेडिसिन एंड एलाइड, इसके अलावा MCPS यहाँ आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है शेड्यूल जो है आपके एडमिशन का वो भी क्लियरी तौर पर मैंशन किया हुआ है,
और आपके यूनिवर्सिटी कोर्सेज जो हैं वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप FCPS 2 ट्रेनिंग वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको मज़ीद दिखा देता हूँ, फ़ी शेड्यूल जो है आपका, एंट्री टेस्ट जो है, जो फॉर्म फ़ी है वो आप चेक कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज उन्होंने मेंशन कर दिए कि वो 200 है। एंट्री टेस्ट जो आपकी फ़ी है वो डिप्लोमा या CPSP प्रोग्राम्स की है वो 5,000 है, यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम की वो 15,000 है, और प्रॉस्पेक्टस की जो आपकी फ़ी है वो 2,000 है। इसके अलावा उन्होंने सी कैटेगरी में आपके एडमिशन फ़ी दी हुई है वो 15,000 है, ये जो है ऑल कोर्सेज के लिए है। इसके अलावा आपकी जो ट्यूशन फ़ी डी उन्होंने रखी है, डी में ट्यूशन फ़ी पर ईयर वो आप देख सकते हैं ऑल डिग्री कोर्सेज की 50,000 है, और CPSP प्रोग्राम्स की 20,000, और डिप्लोमा प्रोग्राम्स की जो है 25,000। इसके अलावा उनकी आप जनरल इंस्ट्रक्शन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने अलहदा दी हुई है FCPS 2 कैंडिडेट्स के लिए वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको इसमें किसी चीज़ की भी कन्फ्यूजन है तो यहाँ उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ईमेल दिया गया है, आप उनसे रब्ता करके अपनी कन्फ्यूजन दूर करवा सकते हैं। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।